2024 के चुनाव को लेकर इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ में अखिलेश यादव का समझौता हुआ है कि जिसको लेकर के हिंदुओं में जातिवाद की खाई को गहरा किया जाएगा, हिंदुओं में जातिवाद को बढ़ावा देकर उनका आपस में विभाजन किया जाएगा, जिससे सीधा सीधा इस्लामिक कट्टरपंथियों का लाभ होगा। तो निश्चित रूप से इस्लामिक कट्टरपंथियों के एजेंट के रूप में अखिलेश यादव जी और स्वामी प्रसाद मौर्य काम कर रहे हैं कि हिंदुओं में विभाजन हो। अगर ये सामाजिक न्याय की बात कर रहे होते तो रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर ये कुरान के लिए भी बोलते कि कुरान की तो आयत में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है और काफिरों की हत्या करना उनका धार्मिक अधिकार है, तो इस बात को कहते हैं। तो लिहाजा ये बात बिल्कुल सिद्ध हो गई है कि अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों इस्लामिक कट्टरपंथियों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं।